तो बता दें आपको कि शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से आए मेहमान माया नगरी मुंबई में जुटने लगे हैं। इसमें कई हॉलीवुड और पॉप स्टार्स के नाम भी गेस्ट लिस्ट में शामिल है। कौन कौन इस ग्रैंड वेडिंग में पहुंच रहा है, किस किस को न्योता मिला है, इस रिपोर्ट में देखेंगे। समझा देते हैं आपको वैसे कि ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन शादी में शरीक होने वाले हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम भी अंबानी परिवार के मेहमानों में शामिल है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अंबानी परिवार के इस उत्सव में शरीक होने की तस्दीक कर चुकी हैं। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अंबानी परिवार के मेहमान होंगे। और साथ ही एनसीपी एएस अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी परिवार सहित शादी में शामिल हो सकते हैं। शादी में अमिताभ बच्चन, सलमान खान भी शामिल होंगे। तो चलिए, इस शादी के सभी फंक्शंस मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हो रहे हैं। जैसे आपको बता रहे हैं, इस शादी में देश विदेश के कई वीवीआईपी मेहमान भी शामिल हो रहे हैं। लॉस एंजलिस से शादी को कवर करने के लिए फोटोग्राफर और कैमरा पर्सन को बुलाया गया है। दूल्हा दुल्हन के साथ दोनों फैमिली के आउटफिट्स मनीष मल्होत्रा ने ही डिजाइन किए हैं। और अमेरिकन फ्लोरिस्ट जेफ लीथम शादी के लिए फ्लावर डेकोरेशन का काम संभाल रहे हैं। डॉली जान को मिला है कपड़ों की स्टाइलिंग का जिम्मा। डॉली बॉलीवुड की जानी मानी ड्रेपिंग आर्टिस्ट है। देखिए, इस शादी में फ्लैश मॉब के साथ दुल्हन की एंट्री होगी। इसके लिए कोरियोग्राफी का जिम्मा वैभवी मर्चेंट के हाथ दिया गया है। शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन, अंबानी फैमिली और कई मेहमान स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। सबको वैभवी मर्चेंट ही कोरियोग्राफ करेंगी। और शादी के बाद आशीर्वाद सेरेमनी के लिए खास फ्लैश मॉब की तैयारी है। अगर शादी में खाने की बात की जाए तो 2500 से ज्यादा डिशेस पेश किए जाएंगे। 10 से ज्यादा इंटरनेशनल शेफ बनाएंगे देसी और विदेशी फूड आइटम्स। देखिए, शादी में आने वाले मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट भी देने की तैयारी कर ली गई है। कई राज्यों से खास रिटर्न गिफ्ट्स मंगाए गए हैं। 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद सेरेमनी का भी आयोजन किया जाएगा और 14 जुलाई को एंटीलिया में मंगल उत्सव मनाया जाएगा। मंगल उत्सव में कई चीजें देखने को मिलेंगी। सबकी निगाहें आज अनंत राधिका और उनके परिवारजनों के ऊपर ही बनी रहेंगी। शादी के इस खास मौके पर दूल्हा दुल्हन और अंबानी परिवार के दूसरे लोग किस तरह के परिधान में होंगे, ये सभी जानना चाहते हैं। लेकिन एक बात तय है कि शादी के लिए तैयार उन खास लिबास में भी वही देसी अंदाज देखने को मिलेगा जो अब तक तमाम प्री वेडिंग कार्यक्रमों में दिखा है। शाही शादी की तैयारियों के बीच अब तक के हर इवेंट में अनंत और राधिका समेत पूरे अंबानी परिवार का बेहद स्टाइलिश अंदाज नजर आया है। चाहे अनंत अंबानी हों या उनके मंगेतर राधिका हों, या बहन ईशा, भाई आकाश या भाभी श्लोका, या फिर मां नीता अंबानी या खुद मुकेश अंबानी, सबके शानदार परिधानों से किसी की भी निगाह नहीं हट सकती, क्योंकि इनमें ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ साथ शुद्ध भारतीय संस्कृति की भी झलक मिलती है। माना यही जा रहा है कि अब इस ब्याह के सबसे अहम पड़ाव पर भी अंबानी परिवार के पहनावे में परंपरा के चटक रंग नजर आएंगे। अपने रूट से दूर नहीं गया। इफ यू सी ट्रेडिशनल चीजें, उनका एक इवेंट है मुमेरा फंक्शन, आपने देखा होगा नीता अंबानी से लेके श्लोका ने, राधिका ने, सबने बांधनी के कपड़े पहने। इनफैक्ट ईशा अंबानी में ने जो पहले के प्री वेडिंग इवेंट्स थे उसमें अपनी पुरानी ज्वेलरी के कुंदन के पीसेस लगा के चोली बनवाई। मुझे लगता है कि आप इतना इंटरनेशनल प्रेजेंस हो कि इंडियन टच ट्रेडिशन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, एंड वो उन्होंने बाखुदा बहुत अच्छे से निभाया है। अनंत और राधिका की शादी के लिए कपड़े और ज्वेलरी नामी डिजाइनर्स ने तैयार किए हैं। प्री वेडिंग फंक्शंस में अंबानी परिवार के आउटफिट्स अबू जानी, संदीप खोसला, मनीष मल्होत्रा, फाल्गुनी शेन, पीकॉक इंडिया, अनायता श्रॉफ अटजानिया जैसे मशहूर डिजाइनर्स ने तैयार किए। तो ज्वेलरी का जिम्मा हीरा माने के इंसान ने लिया। खबर है कि बेटे अनंत की शादी में नीता अंबानी खालिस बनारसी लहंगे नजर आएंगी। कुल मिलाकर कहीं न कहीं परंपरा और संस्कृति से अंबानी परिवार का लगाव जरूर झलकता है, जो प्री वेडिंग इवेंट्स में भी साफ तौर पर देखने को मिला। एंड आप अगर नीता अंबानी को देखोगे, वो शी इज अ पर्सन हु कैन शो हर इंडियन फ्लेयर विद वेस्टर्न टच, बड़ा एफर्टलेसली कैरी करती है वो। तो पूरा जो अंबानी परिवार ना, आपने देखा होगा लाल पीला ऑरेंज में डूबा हुआ था, एंड दैट इज द ट्रेडिशनल, ये इंडियन ट्रेडिशनल बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स माने गए हैं। सो दैट इज मुमेरा इवेंट, एंड मोस्ट ऑफ इन लोगों ने ना अपनी नानी की, दादी की ज्वेलरी यूज करी है। अंबानी परिवार है, नहीं ले सकता है, बट एक जो इमोशन है ना अंबानी परिवार का, आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। अब शादी की शुभ घड़ी नजदीक है
तो सभी को ये जानने की उत्सुकता है कि शानदार मंगलमय पल में अनंत अंबानी का लिबास कैसा होगा, राधिका मर्चेंट क्या पहनेंगी और अंबानी परिवार के दूसरे सदस्य किस तरह की ड्रेस में होंगे। ये सब तो तभी देखने को मिलेगा जब शादी की रस्में शुरू होंगी और दूल्हा दुल्हन समेत पूरा अंबानी परिवार जियो वर्ल्ड सेंटर में नजर आएगा। लेकिन एक बात तो तय मानिए कि शादी के अवसर पर एक बार फिर से इनके लिबास में मिलेगी शुद्ध भारतीय अंदाज की वही खुशबू जो दुनिया को अपना मुरीद बना चुकी है। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।